अयोध्या में हुए रेप कांड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। महज 12 साल की मासूम के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, इसने हम सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। इस लड़की के साथ हुई वारदात को सुनकर एक बेचैनी सी उठती है, लेकिन हाय रे हमारी बेबसी कि इसे सहानुभूति देने के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। रेप करने वाले पर बेहद गुस्सा आता है, तो वहीं लड़की पर रहम। इसके दर्द को हम कभी महसूस भी नहीं कर सकते। आखिर क्या ही उम्र है इस लड़की की कि ये माँ बने, ये प्रेग्नेंट हो और इसे एबॉर्शन जैसी चीज़ों से मुखातिब होना पड़े। इस लड़की को तो ये तक नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ये बस दर्द से कराहती है और इसकी माँ इसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में अपने आसपास प्रेग्नेंट औरतों को देखकर ये अपनी माँ से पूछती है कि ये लोग ऐसी क्यों दिखती हैं, और उन्हें देखकर वो डर जाती है, सहम जाती है। इसकी ये हालत देखकर जरा सोचिए कि इसकी माँ पर क्या बीतती होगी। अपनी बेटी को इस दर्द में देखकर उसका कलेजा फट जाता होगा। आपको बता दें कि ये 12 साल की बच्ची को नौकरी का झांसा देकर सपा के नेता मोहित खान ने उसके साथ 2 महीने तक रेप किया। जब इस लड़की के पेट में दर्द हुआ, तब ये सारा मामला खुलकर सामने आया है। सबसे हैरत वाली बात तो ये थी कि इसकी माँ इसे लेकर पुलिस के चक्कर काटते रही, लेकिन पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। और जब ये मामला खुलकर सबके सामने आया, मीडिया में छाया, तब दबाव में आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और पिछले 5 सालों से हॉस्पिटल के इसी वार्ड में एडमिट है। बीती शाम तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से इसे लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब 2.5 महीने से प्रेग्नेंट होने के बाद सवाल ये है कि क्या ये बच्चे को जन्म देगी या इसे एबॉर्ट करेगी, क्योंकि लड़की की उम्र बेहद कम है और शारीरिक तौर पर भी वो कमज़ोर है। आपको बता दें कि प्रेग्नेंट होने के 24 सप्ताह तक एबॉर्शन किया जा सकता है।